चंपा चंपा, कितनी देर तक सो रही हो? उठ जाओ। अरे दीदी, कल रात तो बहुत काम के। कल रात काम पड़ा था, इतने मेहमान आएंगे पूजा के लिए तो काम करना ही पड़ेगा ना। मैंने भी तो कल रात 1 बजे तक काम किया था। और मैं तो 2 बजे तक, अब तो फिर 1 बजे के बाद सो गया सीधा। हाँ हाँ, अरे मैं बड़ी हूँ ना, तुम्हें बड़ी लोगों का काम करना चाहिए। उठ भी गई है तो चल पानी भरने भी जाना। लोग छोटे का काम करते, ये का बात हुआ। चलो पानी भरने भी जाना है मैडम। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू लर्न विद प्रियांशी। वो हमारी प्रियांशी दीदी का चैनल। तो आज हम लोग दिखाएंगे हमारा डेली रूटीन कि हम लोग क्या क्या करेंगे। तो देखिए, ये हमारा किचन है। किचन। हाँ हाँ, वही वही, हम लोग थोड़ा अंग्रेजी में कमजोर। हाँ, और आप लोग मुझे जानते हो ना, याद तो रखे हो ना, मुझे बहुत याद कर रहे थे ना। मैं हूँ बिमला और ये मेरी बहन चंपा। हाँ, चंपा वो जो परी नहीं है, उसकी बहन है। हाँ, तो चलो अब दोनों भी बहन है। हम दोनों वो, हाँ वो तो सही है। तो अभी हम लोग जाएंगे वो क्या कहते हैं, काठी करने। हम लोग तो काठी बोलते हैं। अरे काठी जरा देना, मेरा भी काठी दे। हम लोगों का काठी करना, ये हमारा काठी है जिससे हम काठी करते हैं। तो चलो अभी पानी भरने जाते काठी कर करके। चलो चल चंपा चल। अरे पहले काठी तो करने दे। नमस्ते नमस्ते बहन जी, सुबह सुबह उठ गई? हाँ, हम लोग भी वही पानी भरने जा रहे हैं। घर जाती रहे तब तक मैं आती हूँ। चिंता ठीक है दीदी। चल कुछ खाना बना। हमारा मैणा धड़ मूंगफली। मूंगफली, अरे वाह, वो कल जो मूंगफली हम खरीदे थे ना। हाँ, वो आया था, मूंगफली ले लो बोल रहा था। मेरे तो कान फटे जा रहे थे। वो मूंगफली, अरे वाह मस्त है ना, पूरा मस्त है। वो ना फेमस है में। अच्छा, पूरा फेमस है पूरा फेमस। हाँ हाँ। अरे चंपा, खाना हो गया हो तो अभी फूल लेने भी जाना है। एक काम कर, तू फूल लेकर आ जा। वैसे भी उधर ज्यादा कांटे वाटे हैं नहीं, तो तू भी जा पाएगी। मैं नहा लेती हूँ, तू आने से नहा ले। दीदी हम दोनों। अच्छा ठीक है ठीक है, नदी जाएंगे। अच्छा तब तक ये काम कर दियो। अरे हाँ, मैं तो कल रात को वो बर्तन धोने भूल ही गई थी, तब तक मैं बर्तन धोआती हूँ। अरे हाँ हाँ, हम लोग बर्तन धोने वो हमारे नदी को जाते हैं। हमारे गांव में ना नदी है, उधर हम जाएंगे और बर्तन धोएंगे। चलो आइए। चलो अभी नहाने चलते हैं। हमारे मटकी में थोड़ा सा ना, हम ना का बोलते हैं, काबुन लेते हैं। काबुन काबुन है। हाँ हाँ, साबुन। हाँ हाँ, वही चल चल चलते हैं। बहुत आराम लगा। वो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, वो फ्रेश लगा। फ्रेश। अरे हाँ, फ्रेश। हाँ हाँ, चल
हमारे भगवान जी का पूजा करने चलते हैं। मुझे भी तो कुछ आ जाओ चलो जी। फूल लगा हम पहले दिए स्वाहा दस सवितुर वरेण्यम भर्गो देव धीमहि यो यो न प्रचोदयात। अरे भगवान को फूल भी तो लगा। हाँ जी हम लगाते हैं। माता का ये रहा। अरे हाँ शिव जी से याद आया, हमारे गांव में ना वो पूजा है शिव जी की। हाँ शिव जी का बार है ना सोमवार, पूजा है शिव जी का सोमवार। हम उनके ऊपर फूल बरसा देते हैं। अच्छा अभी चलते हैं, हमें खाना भी तो बनाना है, आज बहुत सारे खाना बनाना है। मैं ना हलवा बनाना है। ठीक है दीदी। सुन तेरी वो जो जिस दिन हम कुएं के पास जिससे मिले थे नहीं, वो चमेली। हाँ वो चमेली बोल रही थी कि वो जा सकती है, अगर उसे वो उसके घर के काम से थोड़ा छुटकारा मिलेगा तो वो आ जाएगी बोल रही थी। तो चल वो अगर वो आ गई तो अगर हम लोगों का घर में कम खाना बना तो मेहमान लोग पेट पूरा खा के नहीं जाएंगे जो अशुभ माना जाता है। हाँ सच्ची में इसलिए हम ना मैं ना वो हलवा बनाने में एक्सपर्ट। हाँ तू अच्छा बनाती है, मैंने तेरे हाथ के हलवा चखे हैं, बहुत अच्छा बनाती। तू हलवे बना लियो और थोड़ा ज़्यादा बना लियो। हाँ कल के लिए भी बचा के रखेंगे। ठीक है बहुत अच्छा गाना गाती है, लेकिन मन से गाना बनाती है लेकिन अच्छा गाती है मेरी बहन। मैं चावल बना रही हूँ और इस बार हम लोग मैं थोड़ी ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि हमारे घर मेहमान आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं, तो अगर वो आ जाए तो ज़्यादा खाना तो बना के रखना पड़ेगा ना। हाँ वो तो सही है दीदी। ज़्यादा मत डाल, नहीं तो हलवा एकदम वो क्या कहते हैं कि घी के जैसे बन जाएगा अच्छे से। अच्छा हमका बेस्ट है हलवा बनाने में, हम कहाँ डालेंगे। हाँ वो तो सही है, तू तो अच्छा बना। चीनी चाहिए। चीनी चीनी है ना उधर, देख बाउल हम चीनी डालेंगे और हम क्या बोलते हैं मतलब मिक्स कर लेंगे। हाँ वही इस प्लेट में हम दोनों। मैं तो हर रोज सही बोलती हूँ। हाँ मैं कभी ना गलत बोलती। हाँ गलत करने की बात सही भी तो करते हैं। ये वाला जो ट्रे है ना वो मैं ये ना मैं बचपन में खाती थी, इसमें ये दोनों में चावल और दाल इसमें रख के खाती थी। इसमें ना हम इधर चावल रख देंगे इधर दाल रख देंगे, जब सर्व करना होगा वो प्लेट से सर्व कर लेंगे। हाँ ये इसमें ना हम खाते थे, इसमें हम चावल और इसमें सब्जी और इसके ऊपर दाल भी डाल देते चावल। हाँ हम लोग। चल मैं इधर चावल डाल देती हूँ। ये गर्म है जी। सारी और ज़्यादा गर्म नहीं लग रहा दीदी। हाँ हम ना वो दुकान से जब हम विमला बहन हम ना वो जो शॉपिंग की थी ना हम मूंगफली लाए थे, उसके साथ ना हलवा बनाने के ना हम उकावल थे। हाँ फ्लेवर लाई थी। अरे वाह तो बढ़िया है, फिर आज का हलवा तो अच्छा बनेगा। ले आ कभी तो पैसा था ऐसा तो होता नहीं है हमारे पास, तो फ्लेवर वो ला नहीं पाते थे इसीलिए सबको हमारे वो फ्लेवर मार्केट में थोड़ा महंगा पड़ता है ना, तो जब पैसे होते हैं तब थोड़ा सा ले आते हैं। लेकिन विमला बहन के पास तो बहुत पैसा है, वो मुझे देते उस दिन तो वो दिए ही नहीं, कैसे लाऊं फ्लेवर। हाँ उस दिन हम तो मैं उससे नाराज़ हो गई थी क्योंकि उसने घर का काम नहीं किया था। हम तो हर रोज़ करते हैं एटलीस्ट थोड़ा सा तो काम की उसमें काम। ये का बापा जी, ये ना चावल बचे हैं, मेहमान आएंगे ना तो दे देना।
हम लोग दे देंगे। इधर चावल रख दिया, हमारे हलवा भी रेडी हो गया है। इसमें दाल अभी बना लेते हैं। इसमें हलवा डाल दूँ? हाँ इसमें डाल दे। रुक रुक रुक, हलवा को पहले चक के चेक तो कर। आप की तरह ये तो फ्लेवर बनाई है, ये तो फ्लेवर का तुम्हारा किचन। हां इसी बार मैं सोचू कि इस बार ज्यादा ही फ्लेवर और टेस्टी लग रहा है। फ्लेवर ही लगेगा नहीं। चलो अभी मैं दाल दाल के लिए मैं ये बाउल में ना हलवा रख देती हूं। ये देखिए मेरा प्यारा सा हलवा जो मैंने प्यार से अपने ये दोनों हाथ से बनाया। बाकी का हलवा है ना हम इधर रखे हैं। हाँ उधर रख ले बाकी का हलवा, और उतना तो हम दोनों। अरे एक और बोल भी भर, एक और ये भी भर, मैं भी कहूँ ना दीदी हम इसको रखे ना, अब इसमें ध्यान देना जल ना जाए। ठीक है ठीक है। हाँ तो जाओ वो देख कर आते हैं ना। हाँ हाँ हाँ। चावल दाल तो मेरे बन गए, चावल दाल को इधर रख देंगे। अच्छा ना आम फल फूटा है। आम ले, आम का तो पूजा भी हो गया ना, उसकी चटनी बना लेंगे। लेकर आ जाए रो रोटी के साथ आम की चटनी। आम की चटनी बनाती हूँ मैं, बहुत अच्छा बनाती हूँ। आम की चटनी तो मैं बनाती हूँ। क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, वो आम फला था ना ऊपर बड़ा पेड़ में, इसलिए चढ़ गई, इसलिए थोड़ा सा गिर गई ना। अच्छी सारी आम कैसे चल, अच्छे आम देखो बड़े बड़े हो गए ना। आम देखिए थोड़ा सा पीला भी हो गया है इधर से। देखो देखो आम पकने लगा है। और हाँ केला भी मस्त मस्त मिले। हाँ इन केले का हम लोग सब्जी बनाएंगे। हाँ केले का सब्जी ना हम आम का। अरे साग तो लाई ना। हाँ साग भी लाई। अच्छा है। अच्छा तो एक काम कर, तो मैं तुझे ना ये इस पूरा ये इसमें दे रही हूँ, तुझे कितना साग मतलब चुनने हैं। अब मैं इसमें ध्यान इसमें ध्यान नहीं दे रहा था, थोड़ा सा जल गया। अरे यार मैं अपने इसको कर कर हम निकालते हैं। जल गया क्या? मैं देखती हूँ। नहीं 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 जला, नहीं जला, नहीं जला। ये ले सर। अरे अंदर नहीं इधर बाहर करना है। बाहर अंदर गिर जाएगा ना, फिर धोना पड़ेगा हमें तो। हम अच्छे से काटना और हाँ इसके अंदर रखना, हम उसको पूरा अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बना लेंगे। हाँ पेस्ट तो ना आज नहीं बनाना है, अच्छे से उसको फ्राई कर लेंगे, क्योंकि मेहमान आए हैं ना, तो हमारे हाथ का जो अच्छा अच्छा खाना हम लोग बनाते हैं ना वही बनाए। जरा तेल देना उधर से चंपा। ज्यादा नहीं है ना? हाँ ज्यादा तेल नहीं चाहिए हमें। दे ना रोटी भी बढ़िया बनी। ये तो सब अच्छा बना लेकिन गोल आकार बढ़िया। हाँ आकार तो कभी कभार मेरा भी अच्छा नहीं होता है। अच्छा ठीक है तू बना ले। ठीक है हो गया। और भी है क्या? और भी करना है? अरे हाँ मेहमान आने वाले हैं तो ज्यादा तो बनाना पड़ेगा। हाँ बस बस और नहीं। चलो दीदी हाँ मैं एक काम। अरे मेहमान का फोन आ रहा है, जा फोन उठा के आ। चलो अच्छा हुआ हम लोगों ने हलवा बना दिया, और कभी आएंगे तो भी यही हलवा देंगे। ये देखो हम का बना, ये हलवा साग। अरे हाँ
हाँ, दाल भी तो देना है। हाँ, वो तो सही है दीदी। दाल 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 चावल आ गया। दाल चावल से ले ले। दाल चावल। हाँ दाल में थोड़ा ज्यादा ध्यान मत देना, थोड़ी सी काढ़ी पड़ गई। काढ़ी क्यों डाली दीदी? नहीं काढ़ी नहीं डाला, थोड़ी सी काली बन गई है। अरे मूंग दाल नहीं बनाया ना हमने। वो तो अपन का फेवरेट था, वो तो हमारा फेवरेट था दीदी। क्या काहे नहीं बनाया मूंग का दाल सब्जी? वो तो तुम्हारा फेवरेट होता है। नहीं बनाया तो अभी और बना भी नहीं सकते दीदी। हम ना खा पहले हम ना हमारा हाथ ले। हाँ जा तू हाथ ले। अभी हाथ मैंने जल्दी में बनाया है ना, सोचा कि मेहमान जल्दी आ जाएंगे। हाँ बहुत स्वादिष्ट है। चलो आज थोड़ा सा जल्दी में बना लिया। अच्छा मेहमान भी आए नहीं तो आज तो बेइज्जती हो जाती पूरा का पूरा। चलो हमारा खाना बन गया दीदी। लेकिन मैंने भी और एक बार ये तो बड़ा अच्छा है, नमक भी अच्छे से लगा है। हाँ चलो चलो बर्तन अभी। दोस्तों ये था हमारा आज का ये रूटीन वीडियो। अगर आप लोगों को और चंपा और बिमला का जो कोलैबोरेशन अगर अच्छा लगा हो ना, आप लोग तो बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि चंपा और बिमला साथ में आओ, तो आज हम लोग आ गए। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल बटन। बाय।